आइल्स करें या पीटी, कौन सा एग्जाम किस लिए बेटर है, क्या करना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, कौन सा एग्जाम आपको कौन सी कंट्री के लिए बेटर वीजा चांसेस दे सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में होते हैं जो वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, पूछते हैं और मैं उनके सोल्यूशंस उनको प्रोवाइड करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए इस पर। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहली बात, आइल्स है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और पीटीई है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम है जो कि मैंडेटरी है उस कंट्री में जाकर पढ़ने के लिए जहाँ की लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी भी। तो अगर आप इन सब कंट्रीज में जहाँ पर आपका कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाता है वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं, स्टडी वीजा लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना मैंडेटरी होता है। बट जो मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं IELTS और PTE के, तो उसमें सबसे पहला है कॉस्ट। वैसे ये कोई डिफरेंस नहीं है, कॉस्ट दोनों की सेम ही है। अप्रोक्सीमेटली 17,000 आपका इसमें एक्सपेंस रहता है। मोड एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो आपके लिए पीटीई का एग्ज़ाम बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप आइल्स के एग्ज़ाम की भी बात करें तो ये दोनों मोड में होता है। इसमें आप कंप्यूटर टेस्ट भी दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर टेस्ट भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा मोड ऑफ टेस्ट ऑप्ट करते हैं। आइल्स का टेस्ट वीक में दो बार ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन पीटीई का टेस्ट डेली ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका मतलब अगर आप पीटीई का एग्जाम फिल करते हैं तो आपको मिलते हैं ज्यादा ऑप्शंस जल्दी एग्जाम फिल करने के। आइल्स का रिजल्ट अगर आप पेन पेपर टेस्ट देते हैं तो 13th डे ऑफ द टेस्ट को आपको इसका रिजल्ट मिलता है, और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आइल्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 5th डे ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप पीटीई के एग्जाम की बात करते हैं कि हालांकि पियर्सन कहता है कि वी नीड अप टू 5 days टू प्रोसेस द रिजल्ट, बट मेजर केसेस अप टू 80% ऑफ स्टूडेंट्स के केस में ये देखा जाता है कि आपका टेस्ट का रिजल्ट आपके घर पहुंचने से पहले आपके फोन पर आ जाता है। टाइमिंग ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट अगर हम बात करते हैं IELTS एग्जाम की, तो ये 2 shifts में होता है। इसका मतलब अगर आप जो पहला आपका एग्जाम है वो होगा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का, 2.5 hours की इसकी ड्यूरेशन रहती है। और सेकेंड आपका जो स्पीकिंग का एग्जाम होता है वो किसी और दिन होता है। एग्जाम की ड्यूरेशन स्पीकिंग एग्जाम की 12 to 15 minutes ही है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशली सेकेंड डे ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पीटीई की, तो पीटीई के एग्जाम की ड्यूरेशन 2 hours ही होती है जो कि सिंगल सिटिंग में हो जाती है। तो इसलिए अगर आप एक ही सिटिंग में क्विकली अपना एग्जाम फिनिश करना चाहते हैं तो पीटीई आपके लिए गो टू एग्जाम होता है। मार्किंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आइल्स या फिर पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आइल्स दोनों ही मैनुअली चेक होते हैं, क्योंकि जो राइटिंग का एग्जाम है आपका वो प्रॉपर इन्विजिलेटर ही असेस करके देता है। एंड सेम गोज फॉर स्पीकिंग, इन्विजिलेटर असेस करते हैं, मैनुअल चेकिंग होती है IELTS एग्जाम में। लेकिन अगर हम पीटीई की बात करें तो दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा और आपकी मार्किंग AI बेस्ड होती है। तो इसका मतलब कंप्यूटर ने आपका रिजल्ट देना है, विच मीन्स देर आर क्विकर रिजल्ट्स। What should we do? Okay, तो आपको क्या करना चाहिए IELTS या PTE? तो ये तो हुए मोटे-मोटे differences दोनों exams के बीच में। लेकिन IELTS का exam एक बहुत ही language intensive exam है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा practice करनी पड़ती है। Different जो आपके question types हैं आप उसको बार-बार लिख के देखते हो, और क्योंकि ये एक manual करेक्शन बेस्ड एग्जाम है तो बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आप फॉर एग्जांपल पेन पेपर टेस्ट लेते हो तो आप बहुत ही नीटली लिख रहे हो, आपकी पूरी की पूरी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्राइटेरिया फैक्टर्स आइल्स के एग्जाम में आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। ऑल्सो अगर आपका स्कोर आपको चाहिए वो 7 each है, जैसे कि नर्सिंग के एग्जाम्स में चाहिए होता है 7 7
7, 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 7
थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट अगर आपकी इंग्लिश पर कमांड ऑलरेडी बहुत अच्छी है और आप ग्रामेटिकली अच्छे नोट्स लिख सकते हैं तो आईएलटीएस आपका गो टू एग्जाम बनता है। लेकिन पीटी की जो एग्जाम है वो एग्जाम है अगर आप कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंट हैं। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और आप बहुत आराम से इंग्लिश में बात को सुनकर समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका इंग्लिश को ब्रेन में प्रोसेसिंग करने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है तो पीटी आपके लिए गो टू एग्जाम है, क्योंकि 65 का स्कोर लाना इज कंपैरेटिवली इजियर। जहां पर मैं 7 बैंड्स की इक्विवेलेंसी बताती हूं आपको, अगर आपको नर्सिंग के कोर्स में जाना है तो उसके लिए आपको पीटी का एग्जाम देना चाहिए।